नमस्कार दोस्तों, बॉन्साई हंटर पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं बाज़ार से क्रिसमस ट्री के कुछ पौधे खरीद के लाया हूँ अपने गार्डन के लिए। इन्हें मैं फ्लावर पॉट में लगाने वाला हूँ, तो सोचा फ्लावर पॉट में प्लांट्स को कैसे लगाया जाए इस पे कुछ टिप्स आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आइए जानते हैं कि गार्डन में फ्लावर पॉट्स में पौधों को कैसे लगाया जाए, मिट्टी कैसे तैयार की जाए, साथ ही साथ और भी कुछ सावधानियां हैं जो हमें फ्लावर पॉट्स में प्लांट्स को लगाते समय अवश्य बरतनी चाहिए ताकि हमारे पौधे स्वस्थ रहें और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने हमारे फ्लावर पॉट के लिए सॉइल मिक्सचर को तैयार कर लिया गया है। इस सॉइल मिक्सचर में हमने टॉप गार्डन सॉइल ली है, सैंड ली है और वर्मी कंपोस्ट ली है। किसी भी प्रकार के फ्लावर पॉट के लिए जब हम सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसके अंदर कम से कम 30% सैंड होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इस सॉइल मिक्सचर में आप इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का अवश्य मिक्सचर करें। इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड सॉइल मिक्सचर में मिलाना बहुत ही आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर ऑपरेशन। पॉट तैयार करने के लिए साथियों, सबसे पहले गमले के अंदर का छेद चेक कर लें। अगर छेद छोटा है तो उसे किसी चीज़ की सहायता से बड़ा कर लें। उसके बाद उसे एक मटके की ठीकरी या फिर टाइल के टुकड़े से ढक दें। टाइल के टुकड़े से ढकने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है गिट्टी का इस्तेमाल। आप 2 से 3 इंच इसके ऊपर गिट्टी अवश्य 2 से 3 इंच गिट्टी डालने से जो गमले का वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है और पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है। इससे हमारे पौधों का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है और पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। गमले के बेस में ऑक्सीजन का प्रभाव बना रहता है, इससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लगभग 4 से 5 इंच तक आप गमले में मिट्टी को भर दें। फिल दिस पॉट अप टू 4 to 5 inches ऑफ सॉइल इन इट। मिट्टी को भरने के पश्चात आप उसे थोड़ा सा हल्का हल्का दबा दें ताकि एयर पॉकेट्स न रहें। आफ्टर फिलिंग द सॉइल वी शुड प्रेस द सॉइल इनटू द पॉट। डू इट वेरी लाइटली। Now our pot is ready to place the plant in it. अब हमारा गमला तैयार हो गया है, अब इसके अंदर हम हमारा क्रिसमस ट्री लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी कैन पॉट आवर प्लांट इन द फ्लावर पॉट। फॉर दिस वी हैव टू रिमूव द प्लास्टिक बैग। दोस्तों, अब हम अपने पौधे को गमले में लगा सकते हैं। इसके लिए मैं प्लास्टिक बैग को हटा रहा हूँ। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वह यह कि आप पौधे को लगाने से एक दिन पहले पानी देना उसे बंद कर दें ताकि जो आपकी जो सॉइल बॉल है वो इंटैक्ट हो जाए। फ्रेंड्स, वी शुड नॉट वाटर आवर प्लांट्स बिफोर पॉटिंग इन ए न्यू पॉट। And one thing more, do not disturb the root ball. If the soil is more, then remove some soil from it. So friends, our pot is ready. One thing more, the soil should be 1/2 inch below the pot's rim.
दोस्तों हमारा गमला तैयार हो चुका है। एक और जो बात जो ध्यान देने योग्य है, आप जो मिट्टी भरते हैं तो वो लगभग गमले की जो रिम है उससे आधा इंच नीचे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो और ना कम हो, ताकि हम जब इसमें पानी पिलाएं तो पानी ज़्यादा पानी भी ना हो और कम पानी भी ना जाए इसके अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हम समय समय पे इसी प्रकार से बॉन्साई और गार्डनिंग पे आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।